देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ जैनब। आइए देखें आज की मुख्य खबरें। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही, 9 लोग लापता, कई मकान ध्वस्त, काली नदी का प्रवाह रुका। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील और नेपाल के गांव में एक साथ बादल फटने से रविवार रात भारी तबाही मची है। धारचूला तहसील से 12 किलोमीटर दूर कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग से लगे जुम्मा गांव का संपर्क शेष जगत से कट गया है। सर्वाधिक तबाही इसी गांव में मची है। गांव के 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। रात में ही गांव से भागकर ग्रामीणों ने सुरक्षित जगह पर पनाह ली। NDRF, SDRF, पुलिस, राजस्व दल मौके को रवाना हो चुका है। हाईवे सहित सभी पैदल मार्ग बंद होने से गांव तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। NBD से इफ्तिखार हुसैन जैदी की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।